देखो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 1989 का क्वेश्चन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कह रहा है, फाइव डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय थ्री इज टू बी फॉर्मड यूजिंग द नंबर न्यूमरल्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन, द टोटल नंबर ऑफ व्हिच दिस कैन बी डन। देखो पहला तो विदाउट रिपीटेशन है, और जो डिजिट है वो लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। और देखो हमें फाइव डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 3, 4, 5। अब आप देखो थ्री से डिवाइड हो, ये पांच डिजिट नंबर, आप जानते हो थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स जो थ्री से डिवाइड हो, पहले इसको जोड़ ले, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, ठीक है, 0 हटा भी दें तो ये पहले फॉर्म कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से, ठीक। अब आप देखो इसके फॉर्म करने के पहला इस पे फिल अप करने के पांच तरीके, फिर चार तरीके विदाउट रिपीटेशन कह रहा है, इसको तीन तरीके, इसे दो तरीके और इसे एक तरीके, मल्टीप्लाई कर लो, 5 20 30 60 120, तो 120 वेज मतलब 120 नंबर इनके फॉर्म से बनेगा जो थ्री से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आप देखो पांच हटा के देखो तो जोड़ो इनको, 4 3 7 2 9 1 10, नहीं भाई तीन से डिविजिबल नहीं होगा, 4 हटा के जोड़ो, 5 3 8 8 2 10 1 11, नहीं भाई इनसे नहीं, 3 हटा के जोड़ो, 5 4 9 9 11 12, हाँ ठीक है। तो 3 हटा के देखा तो कौन कौन से नंबर, 0, 1, 2, 4, 5, ठीक है, 5 4 9 2 11 1 12, ठीक है। अब देखो फाइव डिजिट फॉर्म करना है, 0 अगर यहां रख दें तो क्या फाइव डिजिट नंबर बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए इस पे फिल अप करने के कितने तरीके, चार तरीके, फोर वेज, इसे अब यहां 0 रख सकते हैं तो इसे चार तरीके, फिर यहाँ थ्री तरीके क्योंकि रिपीटिशन नहीं है, फिर 2 फिर 1, इसे मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 16 48 2 96, टोटल 96 ऐसे नंबर्स बनेंगे इनके साथ यूज करके फाइव डिजिट जो तीन से डिवाइड हो। अब अगला देखते हैं, 3 हटा दिया, 2 हटा के देखते हैं, 5 4 9 3 12 1 13, नहीं भाई 1 हटा के देखते हैं, 5 4 9 3 12 तो 14, नहीं, अब कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो यही दोनों को जोड़ दो तो 120 प्लस 96 विच इज इक्वल टू 216, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है।